आज 6 मार्च 2023, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का, रिलैक्स रिलैक्स, लेट गो। जैसे ही शरीर हल्का हो रहा है, अपने आप शरीर से डिटैच होते जा रही हूँ। महसूस कर रही हूँ कि मैं एक दिव्य ज्योति, अविनाशी चैतन्य प्रकाश, शरीर से भिन्न इस शरीर की मालिक हूँ, ईश्वर की डायरेक्ट संतान हूँ, आदि अनादि संपूर्ण पवित्र हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, क्योंकि स्वयं भगवान ने मुझे इस विश्व परिवर्तन के महान कर्तव्य के लिए चुना है। बाबा ने शक्ति भरी है और उस शक्ति के आधार पर अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प हर वक्त ईश्वरीय सेवा में निमित्त बनकर सफल करने वाली सदा सहयोगी आत्मा हूँ। बहुत खुशी हो रही है कि बाबा मुझे इसके लिए पात्र समझ रहा है। मेरा जमा का खाता दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मेरा निश्चय पक्का है। मैंने समझ लिया कि ये वही बाबा है और मैं भी वही कल्प पहले वाली पूर्वज ब्राह्मण कुलभूषण, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता धर्म की महान आत्मा हूँ। जैसे जैसे मेरा निश्चय पक्का हो रहा है, वैसे वैसे मेरी खुशी बढ़ते जा रही है। मेरा खुशी का पारा बढ़ते जा रहा है। नई दुनिया के लिए बाबा ने जो नया ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को बुद्धि में धारण कर सूर्यवंशी घराने में जाने के लिए मैं आत्मा तैयार हूँ। बाबा हमेशा मेरे साथ है और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और वरदान दे रहे हैं कि बच्चे, तुमने कल्प कल्प बाप की श्रीमत पर चलकर बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि की दौड़ लगाई है। तुम शरीर निर्वार्थ कर्म करते हुए भी हमेशा एक बाप की याद में रहने वाले श्रेष्ठ महान पुरुषार्थी हो। अपना सब कुछ, तन मन धन समय श्वास संकल्प ईश्वरीय सेवा में लगाने की वजह से तुम्हारा पद्मा पदम बाप के पास जमा है। तुम सर्व के माननीय हो, क्योंकि हमेशा निमित्त और निर्माण बनकर चलते हो। मेरी सभी शक्तियाँ, वरदान और प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी विजय निश्चित है। बाबा से दृष्टि और वरदान प्राप्त करके मैं आत्मा बहुत खुश हो रही हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा।
सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।